एक्टिंग छोड़कर ढाबे में काम करने लगा था ये मशहूर एक्टर। आखिर क्या थी वजह? जल्द ही रिलीज होने वाली है गेस्ट इन लंदन। क्या कोई अपने किसी करीबी की मौत से इतना दुखी भी हो सकता है कि वह आलीशान जिंदगी छोड़कर गुमनामी के अंधेरे में खो जाने का मन बना ले? आप कहेंगे नहीं, मगर ऐसा ही कदम इस आदमी ने तो उठाया था। हैरानी की बात यह है कि वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि फिल्म जगत का बेहतरीन एक्टर है। क्या आप जानते हैं वो शख्स कौन है? नहीं मालूम, चलिए हम बताते हैं। वो हस्ती है एक्टर संजय मिश्रा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संजय मिश्रा जिनकी एक्टिंग का कायल फिल्म जगत में हर दूसरा व्यक्ति है। फिर ऐसा क्या हुआ जो मिश्रा जी ने सब कुछ छोड़कर गुमनामी की जिंदगी चुनी? दरअसल कुछ साल पहले संजय मिश्रा के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि उन्होंने फिल्म जगत को छोड़कर उत्तराखंड के एक ढाबे में काम करना शुरू कर दिया था। लंबे समय के बाद वो फिल्मों में लौटे। आखिर कैसे संभव हुआ यह? मिश्रा जी ढाबे पर क्यों चले गए थे? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि मिश्रा जी की अगली रिलीज होने वाली फिल्मों में एक नाम गेस्ट इन लंदन का भी है। एनएसडी से सीखी है एक्टिंग। संजय मिश्रा मूल रूप से बिहार के दरभंगा से हैं। कुछ समय बाद उनका परिवार वाराणसी आ गया। उनकी शुरुआती पढ़ाई बनारस के केंद्रीय विद्यालय में हुई। इसके बाद वो फिल्म और एक्टिंग की पढ़ाई के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली चले आए। इस फिल्म से किया डेब्यू। 1995 में ओह डालू ये है इंडिया से एक्टिंग की शुरुआत करने वाले संजय मिश्रा ने काफी स्ट्रगल किया है। फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। पिता की मौत ने झकझोर दिया। संजय मिश्रा के पिता पेशे से पत्रकार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संजय अपने पिता के बेहद करीब थे। पिता की मौत ने उन्हें झकझोर दिया था। संजय मिश्रा खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। फिल्मी दुनिया से उचट गया मांग। संजय मिश्रा बहुत सी फिल्में कर चुके थे लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार हैं। पिता की मौत का दुख और करियर में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने के कारण मिश्रा निराश थे। यही कारण था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ने की ठान ली थी। चले गए ऋषिकेश। संजय मिश्रा उत्तराखंड के ऋषिकेश चले गए। वहाँ पर वो ढाबे में सब्जी और ओमलेट बनाने का काम करने लगे थे। ऐसे ही जीवन बिताने लगे थे। समय गुजरता रहा लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जानिए फिर क्या हुआ। रोहित शेट्टी ने दिया मौका। रोहित शेट्टी और संजय मिश्रा इससे पहले फिल्म गोलमाल में साथ काम कर चुके थे। जब रोहित को ऑल द बेस्ट मूवी बनाने का ख्याल आया तो उन्होंने संजय मिश्रा का याद किया। हालांकि मिश्रा जी तो इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते थे मगर रोहित ने उन्हें मनाया तो वे लौट आए। अभिनय से मनवाया लोहा। संजय लगातार काम करते रहे हैं। अपने अभिनय से उन्होंने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। कॉमेडी रोल हो या सीरियस संजय हर रोल में फिट बैठते हैं। संजय मिश्रा को फिल्म आँखों देखी के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा जा चुका है। जानिए कितनी संपत्ति है संजय मिश्रा के पास। आज है इतनी संपत्ति। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय मिश्रा के पास BMW सहित कुछ लग्जरी गाड़ियां भी हैं और तो और पटना और मुंबई में घर भी है। जानकारी के मुताबिक उनके पास लगभग 20 करोड़ की संपत्ति है। बहरहाल कैसी लगी आपको यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।